हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू टेक डिजाइन विद विमल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑटोकैड एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। ऑटोकैड एक्सरसाइज बना के दिखाएंगे आज हम। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ अटैच में फाइल देखते हैं। अटैच फाइल जाते हैं, अटैच फाइल हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ से हम उस डॉक्यूमेंट को निकाल लेंगे अपना। ये जाते हैं, देखिए ये सिंपली हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अगर हमारा जेपीजी है तो यहाँ से हम अपना जेपीजी को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से फिर ओपन करेंगे। उसके बाद फुल पाथ और स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, उसके बाद ऑन स्क्रीन के बाद ओके कर देंगे। ओके करते ही जैसे आता है ये हमारा पेज आ चुका है। इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये आ चुका है। इससे फायदा होगा हमारा फायदा होगा जो टाइम सेविंग होगा विंडो चेंज करने के लिए, टाइम से देखने के लिए, वो हमारा टाइम बच जाएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं, इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं जहाँ से हमें ये आसान लग रहा हो बनाना, वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा ये सर्किल देख रहा है, मीटर का 43 डायमीटर है इस सर्किल का, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो एक सर्किल कमांड ले लेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद ये डायमीटर देना होगा तो क्या करेंगे, डी एंटर 43 एंटर। ये देखिए काफी बड़ा सर्किल आया है डायमीटर का, तो इसको हम मूव कर लेंगे सिंपली एम एंटर करके, ये मूव, और इसका साइज भी हम बढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये इस सर्किल के बाद हमारा ये 41 इधर है, 41 इधर, तो ऑफसेट एक लाइन ले लेंगे सेंटर लाइन। ये देखिए ऑर्थो ऑन कर लेंगे, और सिंप्लीफाई इस लाइन को कहाँ करेंगे, मूव करेंगे सर्किल के सेंटर पर। ये आ गया। अब एक लाइन और लेंगे, इसको भी हम यहाँ से मूव कर देंगे और यहाँ सेंटर पर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। अब ऑफसेट देंगे, ऑफसेट की कमांड है ओ एंटर, वो एंटर देंगे, उसके बाद 41 एंटर देंगे, ये 41 इधर, 41 इधर। ओके फ्रेंड्स, तो 41 इधर ये हमारे ये आ चुका है और 41 इधर ये हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली हमें इस लाइन से 24 ऊपर करना है और 28 नीचे करना है ऑफसेट। तो क्या करेंगे, कॉपी भी कर सकते हैं, तो सी ओ एंटर, लाइन को कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट देंगे कहीं से भी 24 एंटर, ये हमारा 24 ये आ जाएगा। और सेम ऐसी कॉपी एंटर 28 एंटर। इसको मूव कर देंगे, अब इस लाइन को क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो दो सर्किल है ऊपर के, फर्स्ट एंड सर्किल 35 डायमीटर है इनका, इनका अब हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा सेंटर पॉइंट है फर्स्ट एंड सेकंड, तो सी एंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर 35 एंटर, सर्किल को कॉपी करेंगे, सी ओ एंटर और सेंटर पॉइंट ये। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या चलता है इसमें, ये तो देखो यहाँ 41 सेंटर दिया हुआ था इनका डिस्टेंस, और यहाँ क्या दिया हुआ है 48,
तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट वन एंड टू एंड मिरर कर देंगे, एम आई एंटर एंटर, ये हमारे मिरर हो जाएंगे। अब ये हमारा 41 था ऊपर, इनका सेंटर इस सेंटर लाइन पे, और ये क्या है 48, तो क्या करेंगे हम 7 यूनिट मूव कर देंगे, एम एंटर करेंगे तो 7 7 एंटर और 7 एंटर। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए क्या चल, नेक्स्ट चलता है हमारा दिस, ये दिया हमारा आउटर रेडियस इसका 7.5, इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का गैप, मींस जो सर्कल का डायमीटर ये है, इसके में 7.5 रेडियस और ऐड कर देंगे, मतलब 15 डायमीटर है, 35 डायमीटर ये और 15 डायमीटर ये इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 डायमीटर। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं फ्रेंड्स, सी एंटर करते हैं, ये डी एंटर करेंगे, 50 एंटर, 50 एंटर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, सी ओ एंटर दिस सर्किल एंटर। ओके, ये हो चुका। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या चलता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस सर्कल का सेंटर दिया है, इस सर्कल के सेंटर से 31 मूव है ऊपर, मींस इस लाइन से 31 ऊपर, तो क्या करेंगे हम इस लाइन को, अब हम हमें जरूरत नहीं है तो मूव कर देंगे, एम एंटर करेंगे और 31 एंटर कर देंगे, तो ये हमारा जो है सर्कल का इसका सेंटर आ जाएंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे, सी ओ एंटर, इस सर्किल के सेंटर से ये जो आ गया, अब हमारे ये सर्किल आ जाएगा, ये वालो टॉप वाला, और सेम हमारा क्या होगा, सेम हमारा अब ये नीचे आएगा, ये क्या दिया है 28 से 20 नीचे, तो इस लाइन से अब 20 नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से एम कर देंगे 20। ओके फ्रेंड्स, इस लाइन को इंक्रीमेंट करेंगे, आगे इंक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा, और अब ये सेम कॉपी कर देंगे, सी ओ एंटर करके सेंटर पॉइंट उठाएंगे, और ये अब इस लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये देखिए अब हमारा ये जो है, देखिए डी एल आई इसका और इसका जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, 80 आ चुका है, तो 80 डी एंटर, काफ़ी छोटा है, इसको कर देते हैं हम 12। देखिए 80 आया है, तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपली हमें कितना दिया हुआ है, ये इस सर्कल के सेंटर से और इस सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 28, तो अब हम क्या करेंगे, ये कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तो इसमें सिंपली सी 52 हम इसको मूव कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे तीनों सर्कल को और मूव कर देंगे 52 एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा अब ये अपनी ठीक जगह पर पहुंच चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए क्या दे रहा है, ये दे रहा है 25 रेडियस, ये आउटर जो सर्किल है इस सर्किल का, ये सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हमें जाना होगा सर्किल में, ये हमारा है 10-10 रेडियस, 10-10 रेडियस यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट सर्किल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड टेंजेंट है हमारा ये सर्किल, और रेडियस दे देंगे 25 एंटर, ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो चुका है 25 रेडियस का, इसको और मूव कर लेते हैं। अब सेम सभी पे करेंगे यहाँ 10-10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट और रेडियस 25। ये देखिए
छह सर्कल हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपली इसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम की शॉर्ट की है TR डबल एंटर, TR सिंगल एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे तो ये हमारा ट्रिम हो जाएगा। अब ये बाहर का जो पार्ट है इसका सर्कल का, वो हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। ओके, अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये इतना बन चुका है। अब ये क्या करना है, हमें ये जो अनवांटेड पार्ट है ये वो डिलीट करना है। यहाँ से ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम हो जाएगा हमारा दिस। ये देखिए अभी हमारे सेंटर लाइन की भी जरूरत नहीं। ये देखिए ये जो तो हमारा ये सेम डायग्राम ये आ चुका है। अब क्या करना है, इसका हमें इसकी डायमेंशन देनी है। उसके लिए क्या करेंगे, एनोटेट में जाएंगे, एनोटेट, यहाँ से हम क्या करेंगे रेडियस दे देंगे। रेडियस क्या था, फर्स्ट इसका था 25 और आफ्टर दैट ये डायमीटर है, डायमीटर दिखाएंगे इसका 35 और सेकेंड 43। ओके फ्रेंड्स, अब इनके बीच का जो गैप था ये डायमीटर दिखा देंगे हम, ये 50 का डायमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा डायमीटर दिखा चुके हैं। अब हमें दिखाना है ये जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस 48 और 96। डिस्टेंस के लिए जाएंगे लीनियर, लीनियर में हमारा क्या था, ये फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा और सेकेंड ये है, ये कितना 48। सेम हमारा क्या है, इस सर्कल से इस सर्कल पे जाएंगे 48 और अब दिखाना है ये और इस सर्कल से 24, इस सर्कल से ये सर्कल है 31, इस सर्कल से दिस सर्कल 20। तो ये जो टोटल डायमेंशन थे हमारा सेम वही डायमेंशन दी हुई है एज इट इज। ये ओवरऑल 96 था, 48 और 48 दोनों 96। अभी फ्रेंड्स देखिए आप पॉइंट के बाद जो फोर डिजिट दिया हुआ है, तो इसको हमें कैसे है? तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे, सिंपली मॉडिफाई में जाएंगे, उसके बाद प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी यूनिट में जाने के बाद ये प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन में डेसिमल का होता है हमारे, ये पॉइंट के बाद जीरो कर देंगे। तो सिंगल पॉइंट चाहिए, सिंगल यूनिट, ओके करेंगे, सेट करंट में जाएंगे, क्लोज करेंगे, तो हमारा जो है डेसिमल पॉइंट के बाद हट जाएंगे, डिजिट कोई नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।